तो गाइस यार, जैसा कि आपने लास्ट वाले गेम प्ले में देखा था कि तुम्हारा भाई बन गया था स्केबिडी टॉयलेट, क्योंकि यार मुझे चुरा के लेके आना था स्केबिडी टॉयलेट के बेस से एक खतरनाक क्रिस्टल, और मैं वो चुराने में सक्सेसफुल भी हो गया था। फिर यार सिंचन को बेहोश कर मैं आ चुका था अपने बेस पर वापस, और गाइस यार उस क्रिस्टल से मुझे और कैमरामैन को मिली कुछ नई ताकतें। अब आगे तो सुमित, अब ये टाइम आ चुका है, अब हमें बनाना होगा स्पीकर मैन को। ओएल लोंडे, अब स्पीकर मैन को बना दे और खतरनाक तबाही मचा दे। तुम लोग टेंशन मत लो, अब हम लोग स्पीकर मैन को जिंदा करने वाले, पर हम स्पीकर मैन को जिंदा कैसे करेंगे ये तो बताओ मेरे को। ओएल लोंडे, मेरे को एक बात बता, स्पीकर मैन के लिए क्या जरूरत होगा? स्पीकर मैन तो उसके लिए स्पीकर लाने होंगे शायद। ओए मुंडे, जब तुरको सब पता है तो हमसे पूछता है क्यों है? जा एक काम कर, स्पीकर कलेक्ट कर। हाँ समीर, तुम्हें अब जाके स्पीकर कलेक्ट करने होंगे। अरे यार, कैसे कैसे उल्टे काम करवाते हैं यार। अब मुझे जाकर चोरी करनी पड़ेगी स्पीकर्स की। पहले कभी मैं कैमरा चुराता हूँ, कभी मैं कुछ चुराता हूँ, अब मेरे को स्पीकर चुराने यार। ओए लंडे, क्या नहीं चुराने? अबे यार, सिंचैन को बचाने, सिक्योरिटी टॉयलेट्स को हराना है तो स्पीकर मैन को जिंदा करना तो जरूरी है ना, तो स्पीकर भी लाने जरूरी है। मुझे वो काम करना तो है ही ना, तो लेट्स गो गाइस स्पीकर ढूंढने चलते हैं। तो गाइस यार, स्पीकर ढूंढने का काम थोड़ा हार्ड भी हो सकता है और थोड़ा इजी भी हो सकता है। तो गाइस यार, अभी मैं यहाँ पर आया हूँ एक बहुत ही बड़े आदमी के मेंशन में। अब मुझे ये पता नहीं है कि वो जो बड़ा आदमी है ना, वो स्क्रिप्टेड टॉयलेट बन चुका है या फिर कि वो अभी अपने घर के अंदर सुरक्षित बैठा है। क्योंकि यार, अगर वो अपने घर के अंदर सुरक्षित बैठा है तो समझो यार, तुम्हारा भाई वहां से स्पीकर नहीं ला पाएगा। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे छुपते छुपाते कि कोई मेरे को देख ना ले, इसलिए यार चुपचाप चलता हूं इसके घर के अंदर। और ये सभी बहुत करोड़पति आदमी है यार, इसके घर में स्पीकर तो मेरे को जरूर मिलेंगे। हां बचो गाइस, यार कोई है ही नहीं यहां पर। मेरे को ऐसा लगता है गाइस यार, वो डर के मारे इस घर को खाली करके यहां से दूर जा चुके कहीं सेफ जगह पर, इसलिए घर में कोई भी नहीं है। अब यार आराम से चौड़ी छाती करके ढूंढता हूं यहां पर स्पीकर्स। अरे यार, ये सारे दरवाजे तो लॉक करके गए हैं घर वाले, अब इनको तोड़ूंगा तो यार इतना तो टाइम भी नहीं है मेरे पास। अरे कहां पर होंगे स्पीकर? चलो गाइस यार, जल्दी जल्दी ढूंढते हैं। तुम लोग भी अपनी चारों आंखें खोल लो, चारों की चारों आंखों, और चारों तरफ देखो कि कहीं पर तुम्हें अगर स्पीकर नजर आए ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस। ओ गाइस यार, कहां पर रख रखे स्पीकर? अरे ये क्या है यार, जोकर क्यों रख रखे इन्होंने अपने घर के अंदर? और भाई यार, घर की डेकोरेशन देख रहे हो कितनी ज्यादा ओसम कर रहा है यार, पैसा हो तो इतना अंधा पैसा। अरे यार पैसा छोड़ो, अभी तो जान ही बच जाए वही घनी बड़ी बात है। गाइस यार पेंटिंग देख रहे हो भाई, काफी महंगी महंगी पेंटिंग लगा रखी मेरे हिसाब से यहाँ पर। ओ ये देख रहे हो, अरे ऊपर कहीं तो नहीं लगा रखे स्पीकर, क्योंकि यार ऊपर भी लगाते हैं लोग स्पीकर्स। यहाँ पर देख लेते हैं, तो यार यहाँ पर भी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। देख रहे हो, महंगी महंगी शराब रखी है पर स्पीकर मेरे को कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। अरे स्पीकर कहाँ रख रहे भाई, प्लीज बता दो कोई, तो मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है उन चीजों की यार। इतने एंटीक पीसेस रख रखे है भाई, करोड़ों का सामान है यहाँ पर। कहाँ है स्पीकर, दिख जाओ। ओ गाइस यार देखो, फाइनली यहाँ पर भाई कोने के अंदर दो स्पीकर रखे हैं। चलो गाइस इनको जल्दी से उठा लेता हूँ और यहाँ से खिड़की में से बाहर लेके चलता हूँ। ये मैंने उठा लिए गाइस दोनों स्पीकर, अब यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। तो गाइस यार, तुम्हारे भाई ने स्पीकर ले लिए, अब ये प्रॉब्लम है कि दो स्पीकर चाहिए या मेरे को दो से ज्यादा स्पीकर चाहिए। उसके लिए मेरे को यार बताने वाला तो कोई है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं काफी तरीके के स्पीकर ले जाता हूँ, जिससे कोई भी स्पीकर की कमी ना हो। क्या पता स्पीकर मैन के अंदर किस टाइप के स्पीकर लगे, तो हम हर एक टाइप के स्पीकर ले जाएंगे। तो लेट्स गो गाइस, चलो और स्पीकर ढूंढने चलते हैं। कहां मिलेंगे भाई ये स्पीकर वाले के पास ही चलता हूं, पर यार वहां पर तो स्क्रिप्टेड टॉयलेट्स होंगे ना। हैं शराबी मेरा दादा, शराबी और ये सारे रिश्तेदार शराबी। अरे यार मुझे पता है गाना मैं क्यों गा रहा हूं, क्योंकि गाइस यहां पर कुछ पीने वाले मतलब पियक्कड़ लोग रहते हैं, मेरे को पता चला है। और गाइस यार तुम्हें पता है ना, दारू पी के तो लोग स्पीकर लेके नाचते हैं यार, बिल्कुल ऐसे झूम बराबर झूम शराबी। तो गाइस यार यहां पर बस ये लोग आ जाए, मतलब कोई जिंदा हो यहां पर, बस मैं ये चाहता हूं। हेलो, कोई है क्या अंदर? प्लीज बाहर आइए, आपकी हेल्प चाहिए मुझे बहुत ज्यादा। ओए कौन है तू, क्या कर रहा है यहाँ पर? पता नहीं है यहाँ पर स्केप्टेड टॉयलेट्स का राज है। अरे भाई साहब, आपकी हेल्प चाहिए, क्या आपके पास स्पीकर मिलेंगे मेरे को? अरे कैसी बात कर रहे हो, हम तुम्हें स्पीकर क्यों देंगे, रात को दारू पी के नाचेंगे किसके साथ फिर? अबे यार मुझे जरूरत है, अगर स्क्रिप्टेड टॉयलेट्स को हराना है तो मुझे स्पीकर्स की जरूरत है। अरे कैसी बात कर रहे हो, पगला गए हो क्या? स्पीकर से स्क्रिप्टेड टॉयलेट्स को क्या लेना देना? अबे स्पीकड़ी नहीं, स्कीबीडी स्कीबीडी। हाँ जब भी, हाँ हम नहीं देंगे तुम अपना स्पीकर, जाओ यहाँ से, फुट लो बुड़बक कहीं के, आ जाते हैं हम उठा के। गाइस यार इसने तो झंड मार के भगा दिया, मेरे को लगा कि यार मेरे को स्पीकर मिल जाएंगे, पर गाइस यार मेरे को स्पीकर नहीं मिले। और यार मेरे को नहीं लगता यहाँ पर मेरे को कोई स्पीकर देने वाला है, शायद मैं यहाँ पर गलती आया हूँ यार चल के। ओ गाइस यार देख रहे हो यहाँ पर ये इतनी मस्त वाली बोट क्या कर रही है, काफी खतरनाक है यार ये वाली बोट। एक सेकेंड, वहाँ ऊपर कुछ तो रखा है, कहीं गाइस यार वो स्पीकर तो नहीं है? ये क्या पता इन्होंने अपनी बोट के ऊपर भी स्पीकर रख रखे हो। ऊपर जाके देखता हूँ, अबे ऊपर कहाँ से चढ़ूं? गाइस यार एक काम करता हूँ, जल्दी से उस ट्रोले के पीछे जाता हूँ और वहां से चढ़ने की कोशिश करता हूँ। अबे यार इसके ऊपर भी चढ़ने का कोई सौदा नहीं है, एक काम करता हूँ गाइस यार अपनी गाड़ी यहाँ पर लगाता हूँ और इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। ओके तो गाइस यार गाड़ी यहाँ पर
मैंने लगा दिया और ये मैं इसके ऊपर चढ़ के आप देखता हूँ क्या है वहाँ पर। ओ भाई जैसा मैंने सोचा था, देखो वहाँ पर स्पीकर्स रखे हैं उस बोट के ऊपर। ओहो यार अब जाऊं कैसे, वहाँ पर जंप लगानी पड़ेगी खतरनाक वाली। अरे शिट गाइस यार मैं भूल गया, मेरे पास उड़ने की शक्ति है तो मेरे को जंप मारने की कोई जरूरत नहीं है, तो चलो इसके ऊपर जाता हूँ। अरे यार एक तो नई नई पावर्स मिली है मेरे को कंट्रोल करना भी नहीं आता नहीं ज्यादा पावर्स को। आराम से पहुंच गया ऊपर। चलो यार अब जल्दी से यहाँ से स्पीकर उठाता हूँ दोनों के दोनों। हो यार काफी अच्छी कंडीशन में है, लगता है ये स्पीकर भी मेरे काम आ सकते हैं। जल्दी उठाते और निकलते हैं यहाँ से। हट तेरी ऐसे स्पीकर तो मुझे मिल चुका है, सही है तूने मेरे को स्पीकर नहीं दिए। शराबी कहीं का यार, एक बात और अच्छी है शराबियों की, वो चीजें रख के भूल जाते हैं। जैसे इस बंदे ने यार स्पीकर रख के भूल किया अपनी बोट के ऊपर, वरना एक नॉर्मल इंसान को तो याद रहता है कि मैंने मेरा सामान वहां पर रख रखा है। तो चलो यार अब यहाँ से जल्दी से निकलते हैं और नए स्पीकर ढूंढते हैं। और बहुत ज्यादा तेज मारा, कहाँ गए वो सुमित भैया? सुमित भैया तो धोखेबाज निकले, इनको छोड़ूंगा नहीं, मेरे पीछे से वार करके यहाँ से भाग गए। मुझे उनके ऊपर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो हमारे खिलाफ कैसे हो गए जब मैंने उन्हें टॉयलेट मॉन्स्टर बना दिया। मुझे जाकर बॉस को बताना पड़ेगा कि सुमित भैया ने हमें धोखा दिया है, वो अब भी हमारे खिलाफ है। जल्दी जाके बताना होगा गाइस, इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए। अरे बहुत देर हो गया तुम यहाँ पर खड़े खले, बॉस इनको बोलो ना कि मेल को भी ताकत खींचनी है। ओए बहुत हो गया, हड्डा यहाँ थे, मैं भी थोड़ी बहुत ताकत खाऊंगा। तू उस तरफ चला जान जब। चलो मैं दूसरी वाली जगह पर जाके ताकतें खाऊंगा। ये क्या, यहाँ पर तो है ही नहीं बॉस। देखो यहाँ पर ये क्या क्रिस्टल कांच ला गया। ओए दो नंबर इधर आ, क्रिस्टल कहाँ है यहाँ से? ताकत तेरी मम्मी से खाऊं? ओए क्यों चिल्ला रहा है, पागल हो गया है क्या? बॉस मारेंगे ना। नम नम नम, अबे यहाँ पर तो वो क्रिस्टल ही नहीं है, कांच ला गया, मैं ताकत कहाँ से लूंगा अब बता मेरे को। ओए मेरे को क्या पता। ओह क्या हो गया? अरे बॉस यहाँ से क्रिस्टल कहाँ पे, पक्का इसने चुलाया है। ओहो ये कैसे हो गया, क्रिस्टल कहाँ चला गया? तुम लोग इतना ध्यान नहीं रख सकते, क्रिस्टल खो दिया, कहाँ है क्रिस्टल बताओ मुझे। अरे बॉस बॉस प्रॉब्लम हो गई बहुत खतरनाक वाली। अरे गाइस यार ये बॉस कहाँ चले गए यहाँ से अब? अरे बॉस, अरे गाइस यार वो रहे उस तरफ। अरे बॉस प्रॉब्लम हो गई बहुत खतरनाक वाली। बॉस सुनो तो, सुमित भैया ने धोखा दे दिया हमें, यहाँ से चले गए वो, उन्होंने मेरे को मारा पीछे से और धोखा दे के चले गए। मैंने पहले बोला था सिंचेन। अरे मुझे थोड़ी पता था कि वो ऐसा करेंगे, मुझे लगा कि आपके कंट्रोल में है वो। वो तो मुझे शक हो ही रहा था। अरे बॉस क्या हो गया, यहाँ पर क्यों खड़े हो ऐसे? किसी ने क्रिस्टल चुरा लिया। अरे पक्का समेत भैया ने चुराया होगा। अगर उसको क्रिस्टल मिल गया तो हमारी हार पक्की है। मतलब बॉस क्या हो गया? उस कैमरामैन और टीवी मैन को क्रिस्टल को यूज करना आता है, वो लोग अपनी फौज बनाएंगे। ओ ये कहाँ गिर गया मैं? अरे बॉस, अरे बॉस अब सकुन हो गया। क्या कहना चाहते हो? अरे बॉस किसी और के लिए जब खबर कबर खुदी रहती है तो उसके अंदर कोई दूसरा आदमी गिर जाए तो मतलब उसकी भी मौत आने वाली है। ओ मतलब कहना चाहते हो कि मैं मरने वाला हूँ? अरे बॉस वो तो पता नहीं, चलो मैं जाके ढूंढता हूँ समेत भैया को, छोड़ूंगा नहीं, धोखा दिया उन्होंने मेरे को। गाइस यार स्पीकर ढूंढते ढूंढते तुम्हारा भाई देखो कहाँ था कहाँ गया। ओए एक सेकंड, ओए ये आदमी जिंदा कैसे हो रहा है, ऐसे खुले में कैसे खड़ा है? अरे भाई तुझे नहीं पता कि सिक्योरिटी टॉयलेट्स आ गए हैं यहाँ पर? हेलो भाई आपसे बात कर रहा हूँ। अबे यार ये लगता है कोई क्रिंज आदमी है भाई, सब रीले पे रीले देख रहा है, इसको पता ही नहीं यार क्या हो रहा है, दुनियादारी से बिल्कुल बेखबर है यार। ओके तो भाई यार तुम्हारा भाई आज के फिल्म इंडस्ट्री में, और तुम्हें पता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तो स्पीकर का यूज होता ही होता है, तो यहाँ पर मुझे स्पीकर जरूर मिलेंगे। यहाँ देखता हूँ यार क्या पता यहाँ पर वेयर हाउस हो इसके अंदर हो। अरे यार ऊपर कहाँ चढ़ रहा हूँ? अरे यार यहाँ पर भी स्पीकर नहीं है एक भी यार, मुझे थोड़े बहुत और स्पीकर चाहिए यार, जिनको लेके जल्दी से अपने घर जाऊं, मतलब अपने बेस पे जाऊं और टीवी मैन को दे दूं जाकर। गाइस यार तुम्हें यहां पर कहीं स्पीकर दिख रहे हैं क्या? ये क्या है? अरे यार ये तो लाइट है यार, यहां पर तो इतनी सारी लाइट से स्पीकर तो मेरे को नजर ही नहीं आ रहा है कहीं पर, तुम्हें दिखे तो बताना यार स्पीकर मेरे को। ओए स्पीकर वाले कहां है तू, स्पीकर दिला दे। ओ गाइस यार देखो मुझे एक स्पीकर मिल गया, हां ये पक्का स्पीकर ही है। चलो यार इसको जल्दी से ऊपर से उतारता हूं। तो गाइस यार मुझे एक स्पीकर मिल गया, ऐसे और मिल जाए ना तो और मजा आ जाए। और स्पीकर देखो यार कहां पर है, कहां पर है। ओ
गाइस यार यहाँ पर देखो एक और स्पीकर रखा है यहाँ पर ऊपर, जल्दी से इसे भी उतार लेता हूँ यहाँ से। तो गाइस यार मैंने यहाँ से ये स्पीकर भी उतार लिया, दो स्पीकर हो गए, एक और है यहाँ पर, इसको भी उतार लेते हैं यार, इसको भी क्यों छोड़ता हूँ, इसको भी उतार लिया जल्दी से मैंने। तो गाइस यार तीन स्पीकर मिल गए, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, चार मिल जाए तो और मजा आ जाएंगे यार, एक स्पीकर और मिल जाए कहीं यार काम वाम बिगड़ जाए, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ओ गाइस यार देखो एक और ये रहा, मिल गया एक और स्पीकर। गाइस यार देख रहे हो यहाँ पर मुझे एक और स्पीकर मिल गया, जल्दी से लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमने चार स्पीकर ये ले लिए, दो स्पीकर मैंने उस घर में से लिए थे और यार उन शराबियों के ठिकाने से भी वहां से मैंने स्पीकर लिए थे, मेरे हिसाब से इतने स्पीकर काफी रहेंगे। चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से जल्दी सी। ये कैसी आवाज है यार? ओ गाइस यार देखो इन लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया, स्किप द टॉयलेट, समय तुम मरोगे। अच्छा तुम्हारी ऐसी, ये लो तुम मुझे मारोगे। तो गाइस यार मेरी ताकत पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो इन लोगों से डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तो गाइस यार मैंने यहाँ पर इन लोगों को भी यहाँ पर मैंने मार डाला, ये तो छोटे मोटे बच्चे, अब मेरे को इनके बॉस को मारना है। चलो गाइस यार अपने बेस पर वापस चलते हैं जल्दी सी। टीवी मैन कैमरा मैन देखो मैं बहुत सारे स्पीकर ले आया, ऑयल ऑन है, जल्दी निकाल जल्दी। अरे निकाल रहा हूँ ना, लो ये रे। लो भाई साहब हर एक डिजाइन का स्पीकर लेके आया हूँ, जैसा तुम्हें चाहिए वो डीजे यूज करो, मैं थोड़े बहुत और लेके आ गया था गाइस। ओए एक मंगाया था, अबे मेरे को लगा कि यार स्पीकर मैन को जैसा चाहिए होगा वो यूज कर लेगा। अरे सुमित तुम सही पागल हो, टाइम वेस्ट करते डोल रहे हो। अरे एक तो यार मैं काम करूँ, तुम ऊपर से मेरे को ही गाली दो यार, टाइम वेस्ट थोड़ी कर रहा हूँ यार, शिनचैन को बचाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अरे ठीक है अब रो मत यहाँ पर, आएगा वाएंगा वाएंगा। ओए लौंडे दिमाग खराब मत कर, चल बगल में खड़ा हो जा, कैमरा मैन चल हो जा शुरू, जल्दी से स्पीकर मैन को जिंदा कर दे। हाँ, अभी करता हूँ, डोंट वरी टीवी मैन। ओके तो गाइस यार हम लोग यहाँ साइड में खड़े हो चुके हैं, कैमरा ऑन करना है क्या? अरे नहीं मैं ही कर दूंगा। अरे ये क्या, अब तुम लोगों ने मुझे ही बना दिया स्पीकर मैन। अरे सुमित तुमको ही तो बनना था। मैंने कब बोला मेरे को स्पीकर मैन बनना है? और गाइस ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है क्या? अरे सुमित बड़े हो जब ही तो ताकतवर हो। अरे इसका कोई छोटा वोटा रूप नहीं है क्या यार? क्योंकि इसको कंट्रोल करने में बड़ा अजीब सा लग रहा है यार मेरे को। ओए एक तो इसको ताकत दो, ऊपर से धीरे और लगाता है। अबे यार ऐसी बात नहीं है, टीवी मैन छोटा कर दो यार मेरे को। हाँ तो गाइस यार अब मैं थोड़ा अच्छा दिख रहा हूँ। तो गाइस यार अब हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, और मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि मैं खुद हरा सकता हूँ उन स्किबिडी टॉयलेट्स के बॉस को। तो गाइस यार इससे नेक्स्ट जो गेम प्ले होने वाला है वो लास्ट गेम प्ले होने वाला है, उसके अंदर हम सारे स्किबिडी टॉयलेट्स को मार डालेंगे और शिनचैन को हम लोग बचा लेंगे। तो गाइस यार अगला आप चाहते हो कि मैं अगला गेम प्ले जल्दी जल्दी लेके आऊँ, तो जल्दी से यार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो फाइनल चैप्टर या फाइनल पार्ट। तो गाइस यार कैसे लगे आपको आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मेक श्योर वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पर पहली बार भूले भटके आए तो आपसे सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे इसको नए गेम प्ले में नई स्टोरी के साथ। जब तक ले सायोनारा।